का स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे खास मुद्दे की बात करेंगे हम, जिसको लेकर के हमने शनिवार को भी बताया था कि अगर 35 से 370 हटाई जाती तो हो क्या सकता है। संभावनाएं तमाम तलाशी गई थी और हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे उन्होंने खुल करके बताया भी था कि अगर ऐसा हो तो ये हो सकता है और हटाया कैसे जा सकता है। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। तो अब हम बात करेंगे आखिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है और इसी के साथ 35 को भी हटा दिया गया, लेकिन चार बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के मामले में किए। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है और इसी तरह से जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश होगा, लेकिन पुडुचेरी और दिल्ली के तर्ज पे वो राज्य का दर्जा भी होगा। लेकिन इससे होगा क्या, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या संभावनाएं होंगी, किसको क्या राइट्स मिलेंगे, जम्मू कश्मीर की क्या तस्वीर बदलेगी, यह अब चर्चा करेंगे। और हम बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प के जरिए इसको पेश करके राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिए हैं और इसी के साथ धारा 370 का बस केवल अभी 370(1) वो रह गया है और उसके अलावा सारे जितने भी क्लॉज थे सब रिमूव कर दिए गए हैं। यह आर्टिकल कश्मीर को अलग राज्य का विशेष राज्य का दर्जा दे रहा था, जिसमें हम आपको स्लाइड्स के जरिए बताएंगे कि अलग राज्य या खास राज्य में क्या क्या राइट्स थे। चले आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए अनुच्छेद 370 के खंड ए को छोड़कर बाकी सभी खंडों को समाप्त करने का संकल्प पेश किया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है, मगर इसी के साथ लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। बता दें कि आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन बिल 2019 पेश होना था, लेकिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे की लंबी बैठक चली। सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले को एक ओर जहां सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं एक पक्ष है जो इसकी आलोचना कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया है, मगर अरविंद केजरीवाल से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक ने मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का समर्थन किया। हालांकि कश्मीर के ताजा हालातों पर पीडीपी के सांसदों ने संसद परिसर में आज विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब नजरबंद किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें ही बंद किया जा रहा है, यह लोकतंत्र की हत्या है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। सम पार्ट्स ऑफ द जम्मू कश्मीर वो भी कर्फ्यू के अंदर है, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है, तीन तीन चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट है और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। आइए जानते हैं मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बारे में। फैसला नंबर एक, जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान के अनुच्छेद 370 एक के अलावा सभी खंडों को हटाने और राज्य का विभाजन करने का प्रस्ताव। फैसला नंबर दो, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव। फैसला नंबर तीन, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र की अपनी विधायिका के बारे में प्रस्ताव।
फैसला नंबर 4, लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होने के बारे में प्रस्ताव रखा। मोदी सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक माना जा रहा है। कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष की कई पार्टियां इस फैसले के समर्थन में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे अपने संकल्प का फैसला बता रही है। भाजपा के लोक पुरुष कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने भी मोदी सरकार को इस फैसले पर बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा मजमून, अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 के क्लोज वन को छोड़ के सभी को विड्रॉ कर दिया गया है और इसी के साथ वहां राष्ट्रपति शासन भी लग सकेगा। वहां की पुलिस केंद्र के अधीन रहेगी, वहां कोई भी संपत्ति खरीद सकेगा, महिलाओं को समानता का अधिकार होगा, वो अपनी इच्छा से कहीं मैरिज करे, लेकिन राइट्स जो एक आम आदमी को मिलेंगे वो वहां पे भी होंगे। वहां कोई भी व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, तमाम अधिकार होंगे। दोहरी नागरिकता वहां नहीं रहेगी, ना संविधान दो होंगे ना नागरिकता। अब वहां जम्मू कश्मीर का झंडा भी नहीं लगेगा, वहां केवल अब तिरंगा रहेगा। तो चलिए हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ में हैं। लंबे समय तक अपने सेना की नौकरी के दौरान कश्मीर में स्पेंड किए, वहां सेवाएं दी। कर्नल डीएस लोहा मरोड़ साहब हमारे साथ में हैं, सभी का स्वागत है। मैं कर्नल साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आप लंबे समय से वहां देखा भी होगा, जिस तरह के मूवमेंट भी देखे, कई तरह की बदलती हुई स्थितियां भी आप लोगों ने देखी होंगी, पढ़ा भी होगा, लेकिन 5 अगस्त 2019 की तस्वीर कुछ, जब आप वहां पे नौकरी में थे तो उस वक्त सोच रहे थे कि ये तस्वीर बदलेगी? जी, सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए भारत की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी कि सरकारों को मजबूर होना पड़ा, और मोदी जी को भी बधाई इस अच्छे फैसले के लिए। अब जो आपने सवाल पूछा, अगर ऑनेस्टली मेरे से पूछे कि एज ए मिलिट्री पर्सन, जब हमने, मैं क्योंकि वहां 84 से लेकर के अभी 2017 तक वहीं था, तो मैंने हर युग देखा है कश्मीर का बदलता रहना, मिलिटेंसी से पहले, मिलिटेंसी के दौरान, और ये मॉडर्न टाइम जब सारी गतिविधि सामान्य या जैसे भी चल रही है। और वैसे तो हम चाहते थे कि 370 जितना जल्दी हटे वो अच्छी बात है, पर ये मैंने भी नहीं सोचा था दो दिन पहले तक कि 370 हटा देंगे। इतना ही सोचा था कि 35A को हटाएंगे या उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, या अमेंडमेंट कर सकते हैं, और मेरे को लगता है वैसा ही हुआ, बिकॉज 370 का अभी भी आर्टिकल 1 जैसा आप बता रहे थे वो कायम है जी, और 35 से इन्होंने हटा दिया। वो हमारी उम्मीद थी और उम्मीद के बिल्कुल सही किया इन्होंने। और ये फैसला एक ऐसा फैसला है, मैं आपको मैं समराइज करके बता दूं कि 16 अक्टूबर 1949 को ये 370 इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल आया था, और 47 से लेकर के 2 सालों के बीच में नेहरू जी और उस समय के अपने शेख अब्दुल्ला साहब और उनके जो हरि सिंह जी महाराजा, जो भी उनकी टीम थी, उनके बीच में हुआ है। उस समय से लेकर के ये, उस समय भी मैं मानता था गलत था, आज मैं मानता हूं इसका हटना बिल्कुल सही हुआ है। अगर ये उस समय नहीं होता तो यकीन मानिए जो इस दौरान हमारी करीब सिक्योरिटी फोर्सेज और नागरिकों की जो हत्याएं हुई हैं करीब 1.5 लाख से ऊपर, वो शायद नहीं होती। और जो अन्याय हुए वहां पर पाकिस्तान से उस दौर में 44 से लेकर के 48-49 तक जो लोग आए विस्थापित होकर के रेफ्यूजीज, उनको आज तक वहां पर न नागरिकता है, न उनको अधिकार है, न जमीन है, न घर है, न दार है, और उनके बच्चे, चौथी पीढ़ी चल रही है, नौकरी तक नहीं मिल सकती। दूसरे 57 के अंदर जो वाल्मीकि जो पंजाब से लेकर के कश्मीर में गए थे, वो परिवार भी टोटल उनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख के आसपास है, उनको भी वो स्थिति है। और तीसरी जो स्थिति इसके अंदर है वो है अपने कश्मीरी पंडितों की, उनके पास जमीन ज्यादा सारे राइट से, पर उनकी भी दशा बहुत बेकार हो गई है। और चौथा जो इसमें कैटेगरी है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए पर उनको आज तक अधिकार नहीं दिए गए। यह हालत है कि आप देखिए बॉर्डर एरिया जो सेना जहां जहां डिप्लॉयड है एलओसी पे, वहां किसी भी सैनिक से पूछेंगे, आपको भी ज्ञान होगा कि वहां पर जो लोग हैं उनको गुजर बकरवाल, गुजर दोदी और पहाड़ी कहा जाता है। वो लोगों की संख्या करीब 14 लाख है, वो भी सेना के साथ पूरे इस दौर में खड़े रहे थे, उनको भी अधिकार नहीं थे बहुत सारे। तो मैं मानता हूं ये एक न्याय प्रिय कार्रवाई हुई है, बधाई के पात्र है।
और आपने भी आज ये इश्यू लिया, आप भी इसमें चलिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका भी। ऐसा मैं डॉक्टर करोड़ सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुद्दा था डॉक्टर साहब, कई मरतबा इस बात को लेकर के कई राष्ट्र अपने बीच में, कुछ ही दिन पहले की बात है जब ट्रंप ने यह कहकर के सुर्खियां बटोरी थी और एक हलचल पैदा कर दी थी कि नरेंद्र मोदी उनसे व्हाइट हाउस में मिले तब कहा कि कश्मीर के मामले में आप में मध्यस्थता करिए, जो कि सरकार ने तुरंत खारिज कर दिया था, एस जयशंकर ने साफ मना कर दिया था, जो हमारे विदेश मंत्री है कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, वो अपनी तरफ से मनगढ़ंत है, वो ट्रंप पे ज्यादा यकीन नहीं कर सकते, लेकिन एक सबसे मजबूत राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं तो उस मायने में ये भी रखता है कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं सत्य होगा, लेकिन वो उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। तो यानी कि कश्मीर आज से नहीं वर्षों से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा बना हुआ था, लेकिन हमेशा भारत की पहल यह रही कि मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, सीधे दो पक्षों में चर्चा होनी चाहिए कश्मीर को लेकर के। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हम आज इंडियन ऑक्युपाई जो कश्मीर है उसकी जो फैसले किए गए हैं उसको लेकर के क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, आज जो निर्णय हुआ है उसको लेकर अपने बहुत से चैनल हैं, जो भारतीय चैनल हैं टीवी चैनल्स, उनमें एक कमेंट आ रहा है कि आज से 70-72 साल पहले कोई गलती की हमने, उसका करेक्शन किया है। मेरे विचार से वो कोई गलती नहीं थी, उस समय की जिस तरह की परिस्थितियां थी, भारत की कितनी रियासतों को मिलाना था, महाराजा बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो उस समय किसी को कन्विंस करना, मिलाना, कुछ न कुछ ऐसी इस तरह की व्यवस्था करना जरूरी था। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि उस समय कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उस समय की परिस्थितियां अलग थी और उन परिस्थितियों में वो निर्णय सही था। अब आज वाले निर्णय का हम पक्ष देखें, एक तो घरेलू पक्ष है जिसको हम भारतीय संदर्भ में, एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, दो अलग अलग पक्ष हैं, और घरेलू जो संदर्भ है उसके दो पक्ष हैं, एक तो कश्मीर को लेके एक और एक भारत के दूसरे भागों में। दूसरे भागों में एक जश्न का एटमॉस्फेयर है कि हमने बहुत अच्छा किया है, कश्मीर को पार्ट बना लिया, हमारा राष्ट्रवाद कंप्लीट हो गया, एक बहुत बड़ा जोश का। दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष है कि इसमें की संवैधानिकता है या नहीं, इसको लेके निश्चित रूप से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोर्ट में कुछ होगा, उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट है, और ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत जो भी निर्णय होगा होगा, ये तो भारत के स्तर। कश्मीर के स्तर पे दो चीजें, एक तो कश्मीर के विकास को लेकर बहुत बात कही जा रही है, और ये मैं भी हमारे बहुत से जम्मू कश्मीर के मित्रों को कहता था कि धारा 370 की वजह से कश्मीर का विकास नहीं हो रहा, यहाँ गरीबी ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो यहाँ की जनता को इसको लेके नुकसान हो रहा है। तो ये विकास का पक्ष है, ये आर्ग्यूमेंट कुछ सीमा तक है। दूसरा कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कश्मीरियत को इससे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में पंजाबियत को कोई खतरा नहीं, बंगालियत को नहीं, आसामियत को नहीं, द्रविड़ियन को नहीं, किसी को नहीं है, तो फिर कश्मीरियत को कहां खतरा है? समस्या वहां क्या हुई कि कश्मीरियत को हमने इस्लामियत में रिड्यूस कर दिया। अब किसने गलती की? हमारी व्यवस्था की गलती थी, उस नेताओं की गलती थी, लेकिन कश्मीरियत को कश्मीरियत नहीं छोड़ के एक इस्लामियत में रिड्यूस कर दिया, उसकी वजह से कश्मीर की जनता ने सफर किया और भारत के लिए ये प्रॉब्लम बनी रही। अब जो निर्णय लिया है इसके अंतर्राष्ट्रीय पक्ष क्या हो सकता है? पाकिस्तान ने इमीडिएटली रिएक्ट कल ही कर दिया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे और ट्रंप से निवेदन करते हैं कि वो मीडिएट करे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उस समय कह दिया था। उसके बाद पाकिस्तान में पार्लियामेंट की मीटिंग भी बुलाई है, तो पाकिस्तान अपने आप को इसका पार्टी मान के चलता है। लेकिन पाकिस्तान इस समय यह भी जानता है कि पाकिस्तान की जिस तरह की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद को लेके है कि बहुत ज्यादा समर्थन मिलने वाला नहीं है, इसलिए पाकिस्तान कितना इसको आगे बढ़ाया पाएगा और पाकिस्तान को कितना समर्थन मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक काम कर सकता है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको वो अपना अलग से एक टेरिटरी बना के, अलग से स्टेट बना के मैनेज कर सकता है। तो अल्टीमेट जो निर्णय हो सकता है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों देश मान लें, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी बहुत से देशों की प्रतिक्रिया नहीं कहूंगा अनुक्रिया नहीं आई है कि क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीरी डायस्पोरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका में, ब्रिटेन में बहुत प्रभावशाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्रिटेन
क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, यूरोप के दूसरे देश क्या कहते हैं, रशिया क्या कहता है, चाइना क्या कहता है, तो उनकी अनुक्रिया का हमें इंतजार करना चाहिए कि वो किस तरह की अनुक्रिया करते हैं और भारत पे कोई दबाव बनता है नहीं बनता है। मुझे लगता है दबाव का कोई कारण नहीं है क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है और अगर कोई दबाव डालता है तो ये भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाएगा, तो उस प्रतिक्रिया का या अनुक्रिया का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होगा। तो अगर इस डिसीजन को हम अच्छी तरह से विश्लेषित करें तो आज जो अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और राष्ट्रीय संदर्भ में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि प्रारंभ में एक साम्यवादी और उदारवादी व्यवस्थाओं के बीच में, जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था भी कहते हैं, एक टकराव की स्थिति थी, कोल्ड वॉर की स्थिति आई। आज जो व्यवस्था उभर रही है उसमें क्या है कि एक दक्षिणपंथी शक्तियों का जो लोक लुभावनापन है उसमें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, धर्म को बढ़ावा देना या रंग भेद को बढ़ावा देना, अमेरिका में अभी हुआ वो रंग भेद को लेके किस तरह का क्या हो रहा है कि व्हाइट सुप्रीमेसी की वहां बात हो रही है, तो इस तरह की चीजें जो राइट विंग पॉपुलिज्म स्ट्रांग हो रहा है उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि दूसरे देश कोई बहुत ज्यादा भारत पे दबाव बनाने में सफल होंगे, क्योंकि उदारवाद है वो सब जगह कमजोर हो रहा है। उदारवाद जो दुनिया की समस्याएं थी उनका समाधान नहीं कर पाया। यूरोप के देश अभी भी कुछ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने 250-300 साल में कुछ उपलब्धियां की, मानव की स्वतंत्रता की, मानव अधिकारों की, प्रजातंत्र की, उनको बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वो खतरा उत्पन्न हो रहा है वो कहते हैं कि राइट विंग पॉपुलिज्म है, उससे नुकसान हो सकता है क्योंकि अति राष्ट्रवाद है, अति धर्मांधता है, वो कहीं ना कहीं विश्व को हिंसा की तरफ ले जा सकती है, तो इस तरह की चिंताएं और आशंकाएं तो हैं जी। तो उन आशंकाओं को देखते हुए भारत पे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा दबाव बन पाएगा, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। तो इस स्थिति में भारत को अब आगे क्या करना चाहिए यह सोच समझ के चलना चाहिए, कहीं आगे वहां हिंसा, हमारे सरकार की व्यवस्था पूरी है कि कोई हिंसा नहीं हो, लेकिन हिंसा हो भी सकती है और किस रूप में बढ़ती है। पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान मेरे ख्याल से इतना करेगा कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अपना कब्जा कर लेगा और हो सकता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मान ले। जी जी, चलिए मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, बहुत सारी चीजें बदल गई है कश्मीर में और उसी के साथ ही जिस तरह की वहां तैयारियां देखी जा रही थी, ये डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जो कह रहे हैं निश्चित रूप से सरकार को भी इसी तरह की आशंका थी कि जो सुख सुविधाएं वर्षों से जो लोग जिसका दोहन करते आ रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस वक्त की परिस्थितियां जो रही होंगी, इसी वजह से आर्टिकल 370 को उसी रूप में इंप्लीमेंट किया होगा और जिसमें 35A भी जो जोड़ा गया था, परिस्थितियां होती हैं लेकिन समय के साथ साथ जब चीजें बदल जाती हैं लगता है कि कश्मीर में एक पक्ष एंजॉय कर रहा है लाइफ को और दूसरा पक्ष बिल्कुल उसका शोषण हो रहा है। जैसे कर्नल साहब ने बताया और सही है कि जब 1956 में वहां पे सफाई कर्मियों की स्ट्राइक हो गई थी, उसके बाद जब अमृतसर से करीब 250 परिवार फिरोजपुर और अमृतसर से गए, वो आज भी उसी मायने में जो गोरखा गार्ड का काम करते थे आज भी गार्ड हैं। हो सकता है कि उनके बच्चे और इंटेलिजेंट हो, उन्हें जिस तरह का दोयन दर्जे का व्यवहार उनके साथ में हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आज मैं एक बात जानना चाहूंगा कि बीजेपी पर लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आर्टिकल 370 और राम मंदिर जो दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी की नींव रखी गई है, ये कहा जा सकता है कि आज अपने विचारधारा की एक कड़ी को पाने में मजबूती के साथ में बीजेपी ने अपना पक्ष देश के सामने रख दिया है। इसमें कोई दोराय नहीं जो भाजपा का, बल्कि ये कहें भाजपा का तो बाद है, पहले जनसंघ का ही जो एजेंडा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से ही, मतलब ये जो एक देश दो संविधान, नहीं चलेगा नारे भी लगे, दो निशान नहीं चलेंगे ये। और ये आपने ये देखा होगा कि जब मुफ्ती मोहम्मद की, इससे पहले पीडीपी और कांग्रेस भाजपा की जो सरकार बनी थी, तो उन्होंने पहले मतलब क्या था यही किया था, अपने यहाँ पे दोनों झंडे लगाए थे, मुफ्ती मोहम्मद जो खुद थे तो उन्होंने सामने मतलब उसको रखा और झंडों को लिया और ये ऐसा ही रहेगा, दोनों झंडे लगेंगे, अपने खुद की टेबल पे उन्होंने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो एजेंडा इनका बिल्कुल यही बना हुआ था कि वो कश्मीरियत की आड़ में दो वहां के जो कुल हैं या दो तीन जो कुल हैं, और ये एक कुल तो मतलब ये आपके अब्दुल्ला जी का है, दूसरा कुल इनका मतलब मुफ्ती जी का हो गया, तीसरा लोन हुर्रियत जो हुए थे जिनको खड़ा किया गया, वो कहीं ना कहीं प्रेशर देकर के उनको खड़ा किया गया था। ये पाकिस्तान ओरिएंटेड
अलगाववादी जो लोग भागते उनको पाकिस्तान प्रोवोक करता था, तो तभी वो कह रहा था त्रिपक्षीय वार्ता की होगी अगर कश्मीर पे कोई बात होगी तो भाई दो पक्षीय बात, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आज एक बात बताइए कि जो जो ये जो डिसीजन लिए गए हैं तो पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ, वो की वो चीज ये वापस यहां रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि उनका वजूद ही पाकिस्तान का वजूद ही जो है मतलब क्या होगा ना इस पर धर्म के आधार पर बना है, तो धर्म के आधार पर वो सेक्युलरवाद जिन्ना का सिद्धांत था वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति तक था, ये तो इसका बैकग्राउंड। दूसरा ये आता है कि ये जो जो इन्होंने जो एजेंडा जो बीजेपी का है ये उन्होंने अपना इंप्लीमेंटेशन अपना डिटर्मिनेशन पावर इन्होंने ये बताई है। अब सवाल आता है कि और दूसरे विचार कैसे मतलब क्या था दूसरी जो विचारधारा के थे जो पीडीपी वगैरह ये जिस तरह का माहौल बनाया गया था क्रिएटिव जो जिस तरह से ये है, तो एक बात बताइए कि क्या राइट्स की अगर बात करें हम जहां ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं पूरी दुनिया ये जितना भी एक विशेष वर्ग के विचार वर्ग के धारा के जो लोग भाग हैं वो एक मतलब क्या कहते हैं मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन उनका मानवाधिकार क्या वो जो जैसे आपने ने बताया था कि सफाई कर्मचारी और जो यहां से गए क्या उनका मानवाधिकार नहीं था, क्या ये मानवाधिकार में नहीं आएगा क्या नागरिकता मिलती जब चार पांच छह सात पीढ़ियां उनकी गुजर जाती है जो पाकिस्तान से पीओके से मतलब विस्थापित होकर आए थे उनको मतलब हटाते समय वो उनको और वहां से भी खदेड़ते समय उनको उनके क्या साथ उनके अधिकार नहीं है क्या, तो अगर मानवाधिकार वाले जिस तरह से जिस बात करते हैं कि साहब ये संवैधानिक होना चाहिए वगैरह तो वो वाली चीज बात अब नहीं चलेगी क्यों जी कि आप जितना करोड़ रुपया गया वहां विकास के लिए गया जब आप हमारा आप मतलब क्या होता है ना विकास का पैसा भारत का इनकम टैक्स आप भी भरते मैं भी भरता हूं सब कुछ भरता जो हमारे से जो लिया हुआ टैक्स अगर वो कश्मीर में जाता है उसके विकास के लिए या उनके जेब में जाता है वो किस लिए कश्मीरियत की बिल्कुल बजावट के लिए भारत है क्यों नहीं मिलती। मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का चार बड़े फैसले जो इसमें संकल्प बिल के माध्यम से जो पेश किए गए उसमें कहा जा सकता है कि बड़ा एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक ये कहें कि इसे चौका कहा जा सकता है। पहला 370 की एक धारा आर्टिकल 370 के सब क्लोज वन को छोड़ के सबको हटा दिया गया है। दूसरा इसका डिवीजन कर दिया गया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित होंगे लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी के उस तरह से होगा जैसे चंडीगढ़ है और जम्मू कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी की तर्ज पे होगा जहां पे विधायिका भी होगी यानी कि उनकी अपनी एक विधानसभा होगी लेकिन वह उपराज्यपाल क्योंकि वहां पे अभी उपराज्यपाल होगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब राष्ट्रपति शासन वहां लग सकता है। पहले राष्ट्रपति शासन 370 के तहत नहीं लगाया जा सकता था तो कुछ चीजें बदल गई। चीजें बदलने के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है मैं आप लोगों के पास में वापस आऊंगा डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये चार चीजें जो की इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज तो निश्चित रूप से जिस तरह की आज हम देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे जिस तरह से रन कर रहे हैं जश्न मना रहे हैं कि चलिए 370 अलग होके ये बात सही है कि परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जैसे महेश जी ने भी कहा कि जब गठबंधन की सरकार बनी मुफ्ती और बीजेपी के बीच तो दो फ्लैग रखे गए वो एक मजबूरी समझिए या परिस्थितियां समझिए परिस्थितियों के हिसाब से लेकिन क्या इससे पहले भी हटाया जा सकता था कभी ऐसा आपको लगता है कि वक्त आया होगा मेजोरिटी खूब थी पहले भी किया जा सकता था। ये देखिए योगेंद्र जी इस तरह के डिसीजन होते हैं उनमें एक पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर होता है और बीजेपी में जो एनडीए सरकार बनी तो उन्होंने पहले टर्म में नहीं किया जैसा महेश जी ने भी बताया कि दो झंडे लगाए सबको एक्सेप्ट किया तो पहली जो स्ट्रेटेजी थी एनडीए की वो ये था कि पीडीपी से अलायंस करके उनको कन्विंस करके कुछ किया जाए तो एक लिबरल तरीके की स्ट्रेटेजी थी वो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाई उससे प्रॉब्लम्स ज्यादा हुई और ज्यादा हुई वो आज गृह मंत्री ने बताया है कि किस तरह का अपॉइंटमेंट में करप्शन हुआ जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेके और बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं तो वो स्ट्रेटेजी काम नहीं किया तो अगर एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती तो हम दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जाते हैं और कोई भी अगर सत्ता में आता है कोई भी समूह होता है वो सबसे पहले लिबरल इजी स्ट्रेटेजी की तरफ जाता है वो जब काम नहीं करती है तो दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जाता है। निश्चित रूप से भारत के स्तर पे इसमें पॉलिटिकल माइलेज होगा एक इमोशनल फीलिंग है लेकिन कश्मीर के यहाँ ऐसा जहां जनसमर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो क्यों मिलेगा
ये महत्वपूर्ण चीज है। ये नहीं कि हाँ उसका जैसे डिवीजन कर दिया गया, क्योंकि पहले भी भाजपा को लद्दाख से दूसरी पार्टी को वोट नहीं मिला, जम्मू कश्मीर जो जम्मू जो है वो आज भी हिंदू बाहुल्य है, कश्मीर अकेला जो है श्रीनगर जो घाटी जिसे हम कहते हैं वहां मुस्लिम, आपने जैसे कहा कि बिल्कुल कश्मीरियत को छोड़ करके और एक इस्लामियत की ओर उसे धकेल दिया गया, क्या परिस्थितियां, अगर समय रहते चीजें होती तो आई थिंक आदेश यादव, जब देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पे काम स्मूथली चलता रहता है, पता नहीं लगता कि ये धारा आर्टिकल 370 भी है, इसके क्या माइलेज है, क्यों लगाया गया है, वहां अगर नागरिकताओं के साथ में जिस तरह की स्थितियां बनी, वहां दो राष्ट्र की स्थितियां बनती जा रही थी कि बिल्कुल फ्लैग दो होंगे निशान दो होंगे, तमाम जो चीजें थी वहां नागरिकता या वहां कोई बिजनेस नहीं कर सकता, अभी जैसा अमित शाह कह रहे थे कि आज जमीन का कट्टा दिल्ली में जो मिल रहा है उससे 150 रुपए ज्यादा वहां मिल रहा है, कोई चीज आप खरीद रहे हैं जमीनों के भाव बहुत कौड़ियों में वहां जमीन है लेकिन वो खरीदने वाला नहीं है, तो अगर ये सब चीजें होती समय के साथ तो उसको आप हटाइए मत, 35 में संशोधन किया जा सकता था समय रहते। देखिए योगेंद्र जी ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि वहां हो सकता है नहीं हो सकता, अभी अब हम आज इतना कह सकते हैं कि आज वहां जनसमर्थन क्यों मिल सकता है, पहले जनसमर्थन नहीं मिला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए मैं एक ईस्ट पाकिस्तान का पैरेलल लेना चाहूंगा, जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो सबसे ज्यादा जमीन थी वो हिंदुओं के कंट्रोल में थी, हिंदू ओनर थे, तो ईस्ट पाकिस्तान बनते ही उन्होंने 100 बीघा का सीलिंग लागू कर दिया, तो हिंदुओं से जमीन उन्होंने ले ली, फिर जो दूसरे मुस्लिम थे मिलिट्री ऑफिशियल्स थे ब्यूरोक्रेट्स थे पॉलिटिशियन थे उनको जमीन चाहिए थी, तो उन्होंने 1963 में जमीन की सीलिंग बढ़ा के 375 बीघा कर दी, क्योंकि उस समय वो हिंदुओं से जमीन ले ली उन्होंने, तो उसी तरीके से और उसके बाद उनको लगा कि बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान था उनको लगा कि ये तो हमारे आदमी एक्सप्लोइट कर रहे हैं हमारे को, तो वहां भी विद्रोह हुआ पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ, इंटरनल कॉलोनी बनी। तो अगर उससे पैरेलल हम कश्मीर की स्थिति क्यों लें तो कश्मीर में जो वेल्थ थी उस पर कंट्रोल हिंदुओं का था बिल्कुल, और उन्होंने क्या है कि मुसलमानों ने अपने जन सामान्य को कॉमन मैन को इस्लाम वालों ने अच्छी तरह मोबिलाइज कर लिया कि आपकी खराब हालत के लिए ये जिम्मेदार हैं इसलिए इनको भगाओ, तो उस समय जन समर्थन नहीं मिल सकता था। अब जन समर्थन इसलिए मिल सकता है कि अब जन सामान्य ये समझ गया कि हमारी मजबूरी के लिए या हमारी परेशानियों के लिए हमारी दरिद्रता के लिए हिंदू या हिंदुस्तान जिम्मेदार नहीं है, हमारे ही लोग जिम्मेदार हैं, ये मेरे ख्याल से एहसास कश्मीरियों को हो गया है, तो जन सामान्य का समर्थन मिल जाएगा ऐसा मुझे लगता है वैली में भी। तो इस समय बहुत ज्यादा मुझे हिंसा की संभावना इसीलिए नहीं लगती है कि धीरे धीरे जनता में अवेयरनेस आती है कि रियल उनका एक्सप्लोइटर कौन है, उनकी खराब हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। तो अगर आप पहले उनको यह एहसास दिलाते रहे कि हिंदू जिम्मेदार है या भारत जिम्मेदार है, अब वो स्थिति वहां नहीं है, जन सामान्य ये समझने लग गया है। इसके पैरेलल मैं आपको श्रीलंका की स्थिति बताता हूं। श्रीलंका मेरा समय लौटू आपके पास में, यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है और कई बदलाव हैं, कई चीजें हैं जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आप स्लाइड्स के जरिए भी देख सकते हैं कि इसके हटने के बाद में हो क्या सकता है। चलो मैं एक बार कर्नल साहब आपके पास जाना चाहूंगा, जिस तरह की तैयारी डिफेंस ने की और आर्मी ऑपरेशंस के जो जम्मू एंड कश्मीर के जिनको अथॉरिटी दी हुई थी, 3 दिन पहले भी उन्होंने संकेत दे दिया था, वहां से अमरनाथ यात्रियों को भी छोड़ के जाने के लिए कह दिया था, घाटी को भी खाली करने के बाद पर्यटकों को कह दिया गया था, 100 क्रिकेटर इरफान पठान सहित थे उनको भी कह दिया गया था, और जो स्टूडेंट्स थे वह NIT में उन्हें भी कह दिया गया था कि आप छुट्टी पर चले जाएं, कॉलेज सब बंद। एक दिन पहले धारा 144 रात में लगाई जाती है, उसके बाद सुबह कर्फ्यू लगा दिया जाता है वहां पे, तो आशंका तो निश्चित रूप से रही होगी। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार का रुख है या कहें कि स्टेप है, उसके बाद में किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं? देखिए सब परिस्थिति जैसे अभी मेरे से पहले बता रहे थे कि कैसे जनता का, मैं यहां क्लेरिफाई करना चाहूंगा
कि जनता वहां की कश्मीर का एक समझना पड़ेगा, जम्मू, राजौरी, पुंछ और ये जो एक इलाका है, ये इसमें कोई कश्मीर की प्रॉब्लम कभी नहीं थी। मैं वहां पूरे 2.5 साल उसमें सीओ था एलओसी के ऊपर, तुम आपको इतना कहूं तो आपको मान लेना चाहिए। दूसरा, वैली के अंदर भी जो 7% टोटल फिजिकल एरिया का है, और दुर्भाग्य देखे कि 93% फिजिकल एरिया पे 7% वाले राज करते थे, और साथ में भी कुपवाड़ा, बारामुल्ला, गुरेज, वो इलाकों में कभी कोई इस चीज की बात ही नहीं थी। कारगिल क्षेत्र में कोई बात ही नहीं थी, लेह लद्दाख में कोई बात ही नहीं थी। अब ये नैरेटिव बड़ा इंटेलिजेंटली इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर से बना गया था, और जो बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को इन चीजों पर चर्चा करते हैं, वो इस मूलभूत इस चीज को जानबूझ के डिस्कस नहीं करते, नंबर एक। अब इसका मैं 10 सेकंड में बताना चाहूंगा, ये साजिश जो हम सोच रहे हैं कश्मीर की कि पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये इतनी छोटी नहीं है साहब। ये अगर आप पढ़े इनकी इस्लामिक टेररिज्म की जो पूरी कहानी आती है, ये गजवाए हिंद खत्म करते हैं हिंदुस्तान में जाके साहब, और इसको इस्लामीकरण, जैसे अभी मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि उसमें है इसका रंग। दुर्भाग्य वो क्या कर गए कि उन्होंने मुसलमानों के साथ ही अन्याय करना शुरू कर दिया जो बाहर से आए थे, गुजर, बकरवाल और जो पहाड़ी लोग हैं, तो इसलिए इनकी खुद की मौत वहीं हो जाती है। अब जो आपने कहा अभी परिस्थिति में देखिए साहब, पहली जो सामरिक तौर पे आप देखें, सेना को लगाया गया, सेना तैयार है, पाकिस्तान में हिम्मत है तो कर लेगा, उसमें हिम्मत नहीं है तो जवाब समय अपने आप आ गया है। पर मैं मानता हूं हिम्मत का कोई उसमें क्वेश्चन नहीं, उसकी वो ही कैन नॉट टेक एनी एक्शन। अब मुझे जो लगता है इस परिस्थिति में क्यों इस तरह के सिक्योरिटी एक्शन लिए गए, एक तो बहुत साफ था कि जितने चोर बाजार है, टेररिस्ट को सपोर्टर्स है, उनको कानून इनके एनआईए का शिकंजा कस लिया गया है, उनको जेल जाना आता है आज नहीं 15 दिन 20 दिन, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि एनआईए ने उन पर नूस टाइट कर दी है, बैंक्स के घोटाले में है, और टेररिस्ट एक्ट जो था जिसमें अब ये पास कर दिया गया, जिन लोगों ने टेररिस्ट का समर्थन किया था वो भी अब टेररिस्ट की श्रेणी में लाए जा सकते हैं, जिन्होंने टेरर फंडिंग किया वो भी टेररिस्ट बनाया जा सकता है उनके, तो ये बड़ा उनका एक अलग आंकड़ा है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि कश्मीर उससे दूर जाए, महाराजा ने एक्सीड किया, जो थोड़ी देर पहले चर्चा की कि ये नहीं, मैं यहां बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक्सेशन 565 स्टेट का एक ही फॉर्म के ऊपर हुआ था और वो फॉर्म कोई अलग नहीं था। उसके बाद कश्मीर के यूके था जो भारत से तो चला गया वो, पर वो गिलगित और बाल्टिस्तान को कभी नहीं छोड़ना चाहता था, जो सामरिक दृष्टि से पूरे दुनिया के पटल पे वहां पे रास्ते खुलते थे, और इसीलिए मेजर ब्राउन ने 4 अगस्त को झंडा फहराया। माउंटबेटन की सहमति थी, नेहरू की सहमति थी, या नेहरू अपने दबाव के कारण उसने कुछ नहीं बोला, वहां पाकिस्तान का झंडा हमारी भारतीय कंट्रोल के चीफ कमांडर ने फहराया था। नाउ अब उसके बाद वो कबाइली आते हैं इधर, हमारे जितने भी पाकिस्तान से आते हैं, रेड करते हैं, वो कहानी पुरानी है। तो ये समझना पड़ेगा कि वहां इस्लामीजेशन जो इन्होंने किया है वो सिर्फ 4 जिलों में कर पाए, कुपवाड़ा, बारामुल्ला इस इलाके में नहीं कर पाए, और यही कारण है वो फेल हो गए। और आज सरकार ने नबज को टटोला, वहां के लोग सामान्य जनमानस चाहता था इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिस्ट को तो अभी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन कर्नल साहब जैसे अनंतनाग है, कुछ और भी है वहां पे, अभी भी जो स्थितियां हैं सबसे ज्यादा डर वही था जिसके खासकर त्राल वगैरह जो है यहाँ पे, ये 4 डिस्ट्रिक्ट, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ कुछ अंदेशा ऐसा लग रहा था गवर्नमेंट को भी पहले से, क्योंकि टेररिज्म जो पनप रहा है वो भी वहीं से पनप रहा है, तो अभी कुछ दिन के लिए आपको लगता है कि वहां पे आर्मी मूव रहेगी वहां पे, और चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि तो पुलिस भी इस अनुच्छेद के बाद, या ये कहें कि यूनियन टेरिटरी में खासकर असेंबली जहां पे रहेगी जम्मू एंड कश्मीर, वहां पुलिस भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगी, तो कुछ स्थितियां बदल सकती हैं वहां पे, या अभी भी, या लोगों को समझ में आएगी कि हाँ अभी यहाँ पे खतरा है। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ साहब, जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजौरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुंछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे जाइए, मैंने बोला 4 राज्यों डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां, इवन श्रीनगर में लेट मी टेल यू ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है साहब, श्रीनगर आगे बारामुल्ला, उड़ी और आगे चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बारामुल्ला तो पहला डिस्ट्रिक्ट है इस कश्मीर का जिसको घोषित किया गया था, कोई मिलिटेंट है ही नहीं वहां पर,
कुपवाड़ा, त्रेगाम और आगे जाइए जो अपना इलाका एलओसी के, वहां कभी इन दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे सेना के लिए भी नहीं, पुलिस, ये तो छोटा सा इलाका था, पुलिस इसलिए लगाई है। देखिए साहब, इतना बड़ा फैसला लिया तो पाकिस्तान को भी अपनी जगह रखना था, हमें सेना पूरी बॉर्डर पे चौकस है, हमारी पूरी की पूरी सैन्य ताकत देखभाल कर रही है, वो करेगा, जवाब खाएगा और हम जो कार्रवाई करनी करेंगे। अंदर के अंदर जो चार जिले वहां जो एडिशनल ट्रूप्स लगाए गए, ऑब्वियसली वो बदमाशी करेंगे उनके ऊपर, बट उन चार जिलों में भी मैं आज भी मानता हूं 60% पॉपुलेशन प्रो इंडिया है, वो 40% जो बदमाशों की फौज है उसको पुलिस कार्रवाई करेगी, इसलिए मुझे नहीं लगता 5-10 दिन में स्थिति सामान्य आ जाएगी जब सिक्योरिटी फोर्सेज वहां रहेंगी। यहीं पर ही मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह की परिस्थिति हो, मैं तो मोदी जी से एक कदम आगे गुजारिश करना चाहूंगा, मोदी जी ये 370 हटाने का मामला बहुत बधाई के पात्र है, पर पीओकी जो हमारा कानूनी तौर पे है उसको लेने में क्या दिक्कत आ रही है, वो भी लेना चाहिए। 500 स्क्वायर किलोमीटर जो सक्षम वैली, पाकिस्तान आज खुजली हो रही है पाकिस्तान को साहब कि कैसे 370 इंटरनेशनल में, अरे आपको जिसके पास जाना चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को सक्षम वैली, चाइना को भी शर्म आनी चाहिए, आपने किसकी इजाजत से ली वो, चाइना आप आके जी। तो मैं कहता हूं बहुत लंबा मुद्दा है ये, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास में, देर मत कीजिए, देश आपके साथ है, ले लो पीओके और हमारा झंडा गाड़ दो, ये बाकी इनके बैकग्राउंड में नहीं आना, जो डराने वाली फौज है, ये लोग तो किताबें पढ़ के किताबें लिखते रहेंगे, सैनिक आपके साथ है, हमारा है, हमारा हिस्सा हमको लेना है, सैनिक मोदी जी के साथ में, गवर्नमेंट कोई भी हो सेना उसी के साथ, सेना उसी के साथ है, और चाइना तो बाद में सलटेंगे, पाकिस्तान का मसला क्लियर कर दो वंस फॉर ऑल, आई एम श्योर दैट्स द बेस्ट डिसीजन। चलिए बहुत सारी बातें, परिस्थितियां सब कुछ कराती हैं, मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, ये तो बात ठीक है कि एक कुछ संकेत ऐसे मिलना शुरू हो चुके थे, एनआईए को मजबूत करना, एंटी टेररिज्म बिल लेकर के आना, नजरबंदी वहां पे जिस तरह से एक सेना के अलग अलग टुकड़ियां भेजना, तो ये संकेत थे कि कोई बड़ा फैसला सरकार कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो कर भी दिया। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्ट्रेटेजी थी या कहें रणनीति जो बनाई गई थी, चाहे वो एनआईए की मजबूती की बात हो, चाहे आतंक के खिलाफ एक बिल लेकर के आने की बात हो, जिसमें कर्नल साहब कह रहे हैं कि अगर आतंकवादी को सपोर्ट कोई करता है आर्थिक रूप से, उन्हें प्रेशर देने के माध्यम से, तो भी ये धाराएं उसके साथ भी लागू होंगी। वहां पे जिस तरह से करप्शन हुआ बैंक में जम्मू एंड कश्मीर में, उसके लिए महबूबा मुफ्ती को नोटिस सर्व किया है, तो एक रणनीति का हिस्सा था, ये माना जा सकता है कि सही रूप पे सरकार ने काम किया। इसमें कोई दोराय नहीं है कि जैसा जिस जो एजेंडा था, एजेंडा को बहुत पहले से इन्होंने पिछले ही टर्म में इन्होंने कर लिया था। आपने ये देखा होगा कि जिसे इस बार से जैसे ही मतलब गृह मंत्री अमित शाह बने, सबसे पहले उन्होंने कश्मीर की यात्रा की, उस यात्रा में उन्होंने वहां के तमाम सरपंचों को बुलाया और वहां ये देखा उनका जो फीडबैक जो आया, उस फीडबैक के आधार पर इन्होंने एक्शन लिया। मैं जहां तक ये समझ रहा हूं कि ये एक नींव बनी थी, यही एक उसका कारण। अब सवाल यह आता है कि वहां पे पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तान के समर्थक जो है वहां अलगाववादी, वो उसको इस्लामियत, जैसा कि आपने बताया, इस्लामियत मतलब कश्मीरियत तो भूल गए, कश्मीरियत की आड़ में मतलब इस्लामियत रही है, नहीं तो आप रातों रात मतलब 1990 के अंदर या निवासी के अंदर रातों रात कैसे आना पड़ा कश्मीरी पंडित, आज भी आईसीस के झंडे फहराए जाते हैं। अब ये जो इसका कारण यही है कि इनका मोटिव ये है, इसका एक इससे पीछे भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिनेरियो को देखा जाए तो आप ये बताइए, चीन और पाकिस्तान दोनों की मिलीभगत है, क्योंकि चीन को ग्वादर तक पहुंचना है और उसके लिए कॉरिडोर की जरूरत है, वो गिलगित और बाल्टिस्तान से होकर के ही वो जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान आज से कुछ ये मतलब क्या कहता ना, एक अलग से प्रांत बनाने की सुगबुगाहट उस समय सुनी थी, मैं अधिकृत रूप से नहीं कह सकता, लेकिन आप ये देखिएगा कि जितना मतलब कश्मीर के मामले को लेकर के अभी पिछले अखबार पाकिस्तान के जो अखबार जो बोल रहे हैं लगातार 3-4 दिन से उनकी लीडी आइटम क्या आ रहा है, सबसे बड़ा उनका जो बड़ा पेपर है जिसका स्टेट हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के बराबर का है, वो मतलब डॉन जो है उसमें ये फर्स्ट लीडी है, वो भारत को प्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दे रहे हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि हम पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मॉरली
आपका मोरल कैसे हो गया जब आप दूसरे देश की मतलब एक पीओ के कंट्रोवर्शियल चीज को लेकर के विवादास्पद जमीन को लेके अगर आपने वहां पे अलग से प्रांत बना दिया तो यह बनाने की कोशिश की जा रही है तो आपका भी तो मतलब वही मतलब क्या होता है ना वहां आज भी दो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कश्मीर में चाहे वो वहां कठपुतली का हो चाहे कैसे भी हो तो जो जिस तरह का ये मामला है तो इसमें जो है स्ट्रेटेजिकल ये जो है इनकी कामयाब रही है और इन्हीं चीजों के रेसिप्रोकल फिर बाद में आपने बताया कि वो आतंकवाद विरोधी और जितने भी कानून है एक चीज हम मिस कर रहे हैं मैं एक बात कहना चाहूंगा डॉक्टर करोड़ सिंह जी जो कही कि भाई उस समय की परिस्थितियां राजा हरिश्चंद्र माफ करेगा हरि सिंह के वक्त जो रही थी परिस्थितियां हमेशा अनुकूल होती है लेकिन उन परिस्थितियों में भी आप जो आपका एजेंडा है अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि परिस्थितियों को आपने अपने अनुकूल कर लिया। मैं आपको एक बार लेके जाना चाहूंगा 2014 की ओर। 2014 का जो इलेक्शन था वो यूपीए के टाइम पे हुए करप्शन के खिलाफ चुनाव था। वो बीजेपी किसी एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ा गया, वो केवल फेलियर पॉइंट ऑफ यूपीए गवर्नमेंट वन एंड टू और उस वक्त के करप्शन के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही करप्शन है। मोदी उसमें सफल रहे, चुनाव जीत करके सरकार बनाई, उन्हें अच्छी मेजोरिटी मिली, बीजेपी को पहली बार क्लियर मेजोरिटी के साथ में केंद्र में सत्ता हासिल की। और ये भी कहूं 30 साल बाद किसी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी अपने आप को स्थापित कर पाई मेजोरिटी के साथ में, क्योंकि राजीव गांधी को मिली थी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में। अब यहां जो मैं बात कहना चाहता हूं वह बात इस नाते कह रहा हूं कि जब 2019 के चुनाव थे, फरवरी में पुलवामा अटैक होता है और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है और देश में एकजुटता का माहौल जो देखा जा रहा था, वहीं से यह कहा जा सकता है कि मोदी हो चाहे अमित शाह हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उनके जो अपने रणनीतिकार हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये खिचड़ी कड़ाई में उसी दिन डल चुकी थी कि देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक अलग दिशा में जाता है। मैं डॉक्टर करोड़ सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, हो सकता है ये मुझसे इस बात पर सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब लगा कि 5 साल में राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा और जिसे हमने बुनाया, तो यहां क्योंकि मैं खुद भी कश्मीर गया हूं, आप भी गए होंगे, हम में से सब लोग गए होंगे, वहां यह कहा जाता था, कानों से सुना हुआ है कि इंडिया से आए हैं लोग, वहां के लोगों से होटल से बात करते थे कि इंडिया में कहां रहते हैं आप, तो ये बातें जब सुनते थे लोग, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे कोई भी हो, तो महसूस होता है कि हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग कश्मीर, वहां इंडियंस और ये सब चीजें क्यों, तो ये ऐसा लगता था कि आज भी ज्यादातर लोग चाहते थे कि 370 आर्टिकल 370 को हटाया जाना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब ये माना जा सकता है कि राष्ट्रवाद की जो फिजा बनी थी इलेक्शन के दरमियान उसका भी एक हिस्सा इस जगह पे? देखिए योगेंद्र जी, आपने 2014 के इलेक्शन का रेफरेंस किया, 2014 में राष्ट्रवाद उतना महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण 2019 में जो बना, तो उस समय 2014 में क्या था कि एक सिनिसिज्म आ गया था जनता में, अब कुछ नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार है यहाँ, कुछ नहीं हो सकता। Exactly. तो प्रधानमंत्री ने एक लीडर के रूप में कहा कि मैं आपको सब चीजों का सॉल्यूशन दे दूंगा, उनका ऑडियो विजुअल परसेप्शन जैसा क्रिएट किया और कंफर्मेशन बायस क्रिएट की, उनको सपोर्ट मिल गया। तो उसमें सपोर्ट मिलने के बाद में ये देखा कि हमारी बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, वो बहुत से काम कम हुए, उतने नहीं हुए जितने एक्सपेक्टेशन थी। तो अब 2019 में कोई न कोई नई वेग धारा आनी चाहिए और उस समय 2019 में जो महत्वपूर्ण रहा वो रहा अपना राष्ट्रवाद की धारा, और उस राष्ट्रवाद की धारा से एक चीज निकल के सामने आई कि भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया रूप दिया जाए और उसको मजबूत किया जाए, अधिक मजबूत किया जाए, और उसमें काफी सीमा तक एनडीए सफल रहा। वर्तमान जो एक्शन हुआ, निश्चित रूप से ये जो लंबे समय की पुलवामा और दूसरी घटनाएं हुई एक सीक्वेंस का पार्ट है, लेकिन जो आज डिसीजन लिया गया है इसके बारे में जिस तरह का वेल प्रिपेयर्ड पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक स्विफ्ट डिसीजन लिया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारा कमेंट या डिस्कशन इस पे हो सकता है सही है या गलत है या इसके परिणाम कैसे निकलेंगे, और उसको लेके हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। एक मुझे आशंका यह लग रही है कि वैली में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वहां हमारी सेनाएं सुरक्षा सेनाएं हैं और दूसरी तरफ एक कम्युनिटी है।
जो भी है वहां की वैली के लोग हैं, जम्मू में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जम्मू और वैली के बीच में जो एरिया है वहां मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जो मिडिल रेंज है जिनको माइनट्री कहते हैं वो बाहुल्य भी है उनका, जो मिडिल रेंज वाला शिवालिक वाली एरिया है उसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन है, तो वहां कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ जैसे दंगे हो जाएं या इस तरह का कुछ हो सकता है, तो वहां अलर्ट निश्चित रूप से हमारी हमारी सेक्योरिटी की सरकार की तैयारी हो रही है, जानते होंगे सरकार की तैयारी, सरकार की तैयारी होगी। और जिस तरह से ऑल स्टेट्स को एडवाइजरी जारी की गई है कि सब लोग अलर्ट रहे, उसको देख करके भी लगता है कि सरकार को कुछ आशंकाएं थी लेकिन तैयारी भी पूरी है उसके साथ। और दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका से हमें ज्यादा समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा कि ट्रंप ने कि मेरे को मध्यस्थता के लिए कहा गया या नहीं कहा गया वो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यह भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुश करना, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को F-16 भी देना, एड भी देना, और जो बलूचिस्तान में संगठन है उसको आतंकवादी घोषित करना अमेरिका द्वारा। तो अमेरिका अभी भी यह मान के चलता है, वहां का प्रशासन का व्यक्ति की बात नहीं है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पेंटागन है, वो मान के चलता है कि पाकिस्तान आतंकवाद वार ऑन टेररिज्म में हमारा रिलायबल सहयोगी है, और इसीलिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान को साथ लेके तालिबान को सत्ता सौंपना चाहता है। तो हमें अमेरिका से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई प्रेशर भी भारत पे बनाएगा, लेकिन उम्मीद हमें ज्यादा नहीं है कि अमेरिका कोई बहुत ज्यादा समर्थन करेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अमेरिका हमेशा से अपने हित पहले देखा है, कोई देश बर्बाद हो चाहे खुश रहे कोई मतलब नहीं है उनको, वो हमेशा से दोहरे ये कहेंगे ड्यूल कैरेक्टर की जो बात की जाती है, आज भी उनका उसी तरह की स्थितियां हैं। मैं कर्नल साहब कम सर लूंगा आपका, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, अभी कुछ आशंकाएं जैसे जाहिर की जा रही हैं कि और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वर्षों से जिसके आड़ में लोग एंजॉय कर रहे थे, राज कर रहे थे कहूं, लेकिन क्या होता है कि एक स्लोगन राजस्थान पुलिस का है, लेकिन इसे पूरी तरह से देखा जाना चाहिए कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। तो जिस तरह की स्थितियां बनी, एक बोल्ड स्टेप है, यह भी तो माना जा सकता है कि जो लोग इस तरह की अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, भय का माहौल बना सकते हैं, कहीं इंसान वो भी है, डर उनमें भी होगा। जी देखिए, मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं कि आपकी बात सही है, होने को कुछ भी हो सकता है, समय ही बताएगा, पर जिस प्रकार से सरकार ने अपने सारे तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को जैसा भी आकलन करके इन्होंने फैसला लिया है, और जो लोग ऐसा प्रयास कर रहे थे पिछले 2-3 महीने से इस तरह की एक भावना फैलाने की कि जनता में डर पैदा करने की, मैं वहां मेरा तजुर्बा जितना लंबा रहा है उसके, और मैं अभी आज भी मेरे पास वहां से फोन आ रहे थे बहुत सारे लोगों के, तो वो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट बॉर्डर एरियाज में, राजौरी, पुंछ, जम्मू, रामबन, आप अभी कह रहे थे जो बीच वाले इलाके हैं वहां शायद कुछ हो सकता है, मुझे नहीं लगता लोग बाग, और जैसे अभी हमारे साहब ने, शर्मा साहब ने बताया कि सरपंचों के साथ जो मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है पल्स वहीं से उन्होंने महसूस कर ली, और चुनाव भी देखिए आप, बिल्कुल वायलेंस नहीं हुआ, मिलिटेंट भी समझता है पाकिस्तान जब तक जन समर्थन नहीं मिलेगा वो सफल नहीं हो सकता है, और ये सरपंचों की ये जो ट्रस्ट और इनका ट्रस्ट गवर्नेंस में आया है, मुझे लगता है कि डर ज्यादा नहीं चलेगा, और यस चौकन्ना रहना पड़ेगा, कल कुछ भी नहीं कह सकते, और बाकी डिपेंड करता है साहब कल क्या होगा, पर वैसे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, चौकन्ना रहना पड़ेगा, एक महीना नहीं अगले 2-3 महीने तक, पर यकीनन इतनी चिंता का विषय नहीं है, और ये फैसला बड़ा मजबूत लिया। मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा, महेश जी एक बात मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी घोषणा एक और अभी जो जिस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो डिवीजन हुआ है उसके बाद अब वहां पे डिलिमिटेशन होगा, यानी कि एक सीमांकन किया जाएगा विधानसभा लोकसभा सबका, तो ये माना जा सकता है कि वह भी एक रणनीति का हिस्सा है, और जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि तीन परिवार जिन्होंने कश्मीर का दोहन किया है उनकी राजनीतिक साख बची रहे, वो अपने दुकानें चलाते रहे, इस नाते से बस उनमें एक खौफ है, तो ये अभी तो बड़ा मुद्दा ये होगा कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इनका जब डिवीजन के बाद इनका क्योंकि डिलिमिटेशन होना है। देखिए जहां तक है लेह लद्दाख का जो है स्ट्रेटेजिकल तरीके से परिसीमन तो होगा ही होगा, क्योंकि इनकी जिस तरह से आज आपने देखा होगा कि जब ये चल रहा था
जब ये राज्यसभा में जो बिल आया पेश किया संकल्प, उस दौरान गुलाम नबी आजाद ने एक बात कही कि वहां पे भी लेह लद्दाख में भी मामला मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये मतलब इन्होंने पूरा स्ट्रेटेजिकल पहले से ही इतने 70 साल के अंदर अपना पूरा ग्राफ इन्होंने चेंज किया इस्लामियत के आधार। अब वहां बौद्ध हैं, बौद्ध ये बता रहे हैं कि 50-50 जैसा कि एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास भी कर दिया गया है राज्यसभा में। तो ये दोनों जो है पुनर्गठित बिल, इसके बाद में मतलब क्या कहता ना आपको, जो लद्दाख बौद्ध बहुल है और हिंदू है थोड़े से, और तीसरे नंबर ये सेकंड नंबर पे मोमडन पॉपुलेशन है, थर्ड नंबर पे हिंदू है। तो ये एक वहां एक अच्छा किया है। इसी तरह से आप जम्मू है, जम्मू में भी मतलब हिंदू मतलब डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन वहां पे भी इन्होंने कोशिश की है मतलब वहां की भी पॉपुलेशन में असंतुलन ये एक वर्ग विशेष ने उसमें शुरुआत की है। तो ये अभी उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए जितने मतलब कह रहे हैं। सबसे बड़ी इनका ये जो आबादी का संतुलन, और ये कि ये पाकिस्तान के अखबारों की जो भाषा जो है और वहां की एनएससी का जो भाषा यही है कि वो मतलब क्या कहता है इस तरह की डेमोग्राफी को मतलब चेंज नहीं असंतुलित नहीं होने देने देंगे। योगेंद्र जी मैं कुछ बोल सकता हूँ इसी पे छोटा सा। इसमें ऐसा ऐसा देखिए, लेह लद्दाख का इतना बड़ा इलाका है, 65% टोटल कश्मीर का इलाका है और वो बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, 6 महीने वो बर्फ से ढका रहता है, भारत के हिस्सों से उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहता है बिकॉज दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में रास्ते बंद होते हैं। वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 4 लाख है और वहां प्रेजेंटली जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, क्योंकि आपने परिसीमन की चर्चा की, 111 टोटल सीट में से जो उसके अंदर 24 पीओके की भी है, आज के दिन 4 जो असेंबली सीट्स है वो लेह लद्दाख के एरिया में आती है साहब, और उसके अंदर कारगिल भी आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 4 सीट कम होने से कश्मीरियों की 4 तो कम होगी, परिसीमन का जब कर दिया तो एसटी को करीब 11 सीट जाएंगी, 7 सीट जाएंगी करीब इनको एससी को, तो यो करके 18 सीट वो चलेगी 46 में से। तो आप देखिए बहुत बड़ी ये साइड पॉलिटिकली इन्होंने प्लान किया होगा और मैं अच्छा मानता हूं। देखिए एसटी जो इन लोगों को सीट नहीं देते थे ये, अब इसमें पूरी जनता डिसाइड करेगी, एक होमोजीनियस सरकार बनेगी जब भी बनेगी, किसी एक व्यक्ति विशेष का। चलिए समय कम है डॉक्टर साहब के पास में, डॉक्टर साहब बहुत कम समय, बिल्कुल कुछ सेकंड लूंगा। या आपने बताया कि डिलिमिटेशन इस तरह से होगा, रिजर्वेशन लेंगे, क्योंकि सरकार एक देश की है लेकिन वो सरकार एक राजनीतिक दल की भी है, एक राजनीतिक दल बनाता है सरकार, तो सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो अपने राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए कि हम भविष्य में भी सरकार बनाएं, तो निश्चित रूप से ये माइलेज लेंगे वो डिलिमिटेशन में। इन सब चीजों को ध्यान में रखें, हर राजनीतिक दल करता है, हर सरकार करती है, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सीमा है, यूं कहिए आप, क्योंकि उसमें इस तरह का मोरल एथिकल स्टैंडर्ड नहीं होगा कि सरकार बिल्कुल अलग कर दें और राजनीतिक दल को बिल्कुल ही अलग कर दें। तो अगर राजनीतिक दल के हित को ध्यान में रख के सरकार कोई डिसीजन लेती है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पार्ट है, कोई अनयूजुअल नहीं है, तो ऐसा सरकार करेगी निश्चित रूप से डिलिमिटेशन में, और ऐसा प्रयास होगा कि वैली का प्रभाव कम से कम हो जाए असेंबली में, तो ये निश्चित रूप से होगा, कोई अनयूजुअल नहीं लग रहा अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को समझें तो। बिल्कुल जी, तो चलो जम्मू कश्मीर के लिए कह सकते हैं कि मोदी सरकार का एक चौका रहा जो 4 बड़े डिसीजन किए हैं, और पुनर्गठन बिल पास हो गया है, आरक्षण बिल पास हो गया है, तो इसी के साथ में कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की अब ये फिजाओं में जो अब तक की जो स्थितियां बनी हुई थी वो शायद भिनेंगी और अब एक नए अध्याय का वहां जो सूत्रपात होगा। लेकिन अब जो सबकी निगाहें टिकी हुई है कि वास्तव में जम्मू कश्मीर की सूरत कैसे बदलेगी, समय लग सकता है, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों का मानना था कि 370 को हटाना चाहिए, अनुच्छेद 376 और 35A वहां के लोगों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है, 370 देश के साथ में एक अलग जो विशेष राज्य का दर्जा 6 साल तक की, वहां पर विधानसभा पूरे मुल्क के अंदर 5 साल की, तो कुछ ही जो है जिनके साथ में बदल पाएंगे, वहां RTI के जरिए अब आप अपने RTI कानून को काम में ले सकते हैं, वहां CAG ऑडिट कर सकते हैं, तो तमाम वो जो विशेष राज्य के दर्जे को खासकर जम्मू कश्मीर के लिए मिला हुआ था वो सब चीजें अब नहीं होंगी, अब वही होगा जो आम हिंदुस्तान में सब जगह जो देखने को मिलता है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।